आज हम आपके लिए सूजी की बहुत टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मसाला बीट फैमिली में आप सबका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के बर्गर, जो खाने में टेस्टी होते हैं और एकदम अलग स्वाद आपको देंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आठ आलू लिए हैं उबले हुए, जिन्हें हमने छील लिया है, अब हम इन्हें कसेंगे। ये हमने एक बड़ी प्याज ली है, जिसके आप देख सकते हैं हमने छल्ले बना के रखे हैं। एक बाउल ये दही है और एक छोटी सी शिमला मिर्च है, जिसे इस तरीके से हमने काट लिया है। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे। ये सूजी ली है एक कप, और हमने ये लिया है चीज़, जिसे हमने कस लिया है। ये तीन चीज़ क्यूब्स हैं जिन्हें हमने कसा है। तो अब हम इन्हें आलू को कसने जा रहे हैं। देखिए इसमें हम सूजी डाल रहे हैं एक बाउल में अपने, और हम ये ले ले रहे हैं दही, और स्वाद के हिसाब से थोड़ा इसमें नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हम जो टिक्की बनाएंगे उसमें भी हम नमक डालेंगे, और इसे मिला देते हैं। देखिए हम थोड़ा इसमें पानी डाल रहे हैं आधा कप, और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। सूजी अभी फूलेगी, फिर अगर ज़रूरत होगी तब हम इसमें और पानी डाल देंगे। देखिए आलू हमारे कस गए हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया। धनिया हम लगभग 2 चम्मच लगभग हमने धनिया डाला है। 1 चम्मच हम इसमें मिर्च डाल रहे हैं, और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें खटाई डालेंगे, क्योंकि अब हम इसकी बनाने जा रहे हैं टिकिया, और स्वाद के हिसाब से नमक। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप चाहें तो और सब्जियां इसमें मिला सकते हैं। और अब हम इसे मिला देंगे बढ़िया से इस तरीके से, और मिला के इनकी टिक्की बना लेंगे, फिर इन्हें सेक लेंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं सूजी को रखे हुए, ये गाढ़ी है। अभी हम थोड़ा सा इसमें पानी और डालेंगे। हमने पहले आधा कप पानी डाला था, अब चौथाई कप पानी हमने इसमें और डाल दिया है। इसे मिला देते हैं, ये देखिए। और अब हम इसमें हाथ के हाथ डाल देते हैं 1/2 चम्मच इनो, इसे भी मिला देंगे इसमें। देखिए बढ़िया से एकदम फूल गया है ये। और अब हम इसके लिए कटोरी तैयार कर लेते हैं। हमने इसमें रिफाइंड डाला है कटोरियों में, और इसे हम फैला देते हैं रिफाइंड को इस तरीके से चारों तरफ, ये देखिए ऐसे अच्छे से रिफाइंड लग जाना चाहिए। और अब हम इसे कटोरियों में डालेंगे। तो हम इसे आधा ही भरेंगे कटोरी को, क्योंकि जब ये फूलेगी तो ऊपर तक आ जाएगी। देखिए आपके पास एक सी कटोरी हो शेप की तो वो ले, हमारे पास ये थी तो हमने इसको ले लिया है इस तरीके से, बस इतना, क्योंकि ये फूलेगी तो ऊपर तक आएगी। अभी हमने भगोने में पानी गर्म कर लिया था, और एक स्टैंड इसमें रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अपनी कटोरी रख देंगे, और फिर इसको देखेंगे 15 मिनट के बाद। ये तब तक बन जाएंगी 15 मिनट में इस तरीके से, और अब हम इसे ढक दे रहे हैं। अपनी चेक कर लेते हैं कि ये बनी या नहीं, तो हम चाकू डाल के देख लेते हैं अपनी। देखिए एकदम तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं, और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। देखिए हम हल्का सा इस तरीके से चाकू से कर लेते हैं चारों तरफ से, ऐसे उल्टा कर देते हैं ऐसे। देखिए हमारी इडली एकदम तैयार हो चुकी है। अभी इन्हें गर्म है, कुछ ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, इतने हम टिकिया बना लेते हैं। देखिए हमने टिकिया बना ली, और हम क्या करेंगे इसमें थोड़ी सी सूजी लगा देते हैं, इससे क्या होगा क्रिस्पी हो जाएगी। वैसे तो कॉर्नफ्लोर भी लगाया जाता है, और अब हम इसे रख देंगे सिकने के लिए।
और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा रिफाइंड जो हमने अभी तक डाला नहीं था, बस, और इसे सिकने के लिए छोड़ देते हैं। देखते हैं सिक गई कि नहीं, मैं पलट लेती हूँ। सिक गई, क्रिस्पी हो गई एकदम। देखिए बीच में से हम इसको आराम से काटेंगे, बिल्कुल हाफ। ये बहुत सॉफ्ट है तो कहीं टूट ना जाए, जरा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये बन की तरह दो पीस हो गए आपके। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया जाली आई है और कितनी सॉफ्ट इडली बनी। आपने आज देखा कि अगर स्टैंड ना भी हो तो भी आप इडली बना सकते हैं आराम से घर पे, स्टैंड की जरूरत नहीं है इडली के लिए। इतने हमारी टिकिया सीख रही है, इतने इसका एक तरफ का पीस हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमने लगाई सॉस, और फिर लगाएंगे चीज थोड़ी सी। ये देखें इस तरीके से रखेंगे प्याज का छल्ला और शिमला मिर्च। अब इसके ऊपर हम, अभी हमारी टिक्किया सिक रही है तो इसके ऊपर हम फिर टिक्की लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरा पीस भी इतने तैयार करके रख लेते हैं। देखिए टिक्किया सिक गई है, अब इसके ऊपर हम टिक्किया रख देते हैं इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, हम फिर से इसमें थोड़ी सी चीज रखेंगे इसके ऊपर। देखिए और रख देंगे प्याज का छल्ला, शिमला मिर्च, और ये वापस इसके जो दूसरा पीस है उससे ढक दें ऐसे। ये आपका बन गया बर्गर, और अब हम इसे सेकेंगे। देखिए बन हम अपने सेकने के लिए चल रहे हैं, इसे रख देते हैं आराम से। तो थोड़ा सा रिफाइन डाल देते हैं, आपकी मर्जी है, आप इसमें आप चाहे तो मक्खन से सेक लें, बीच में डालें तो सब में पहुंच जाएगा। देखिए ये सिक चुकी है और हम इसे अब पलट देते हैं। आराम से पलटिएगा ऐसे, ये देखिए इस तरीके से। बाकी की भी तीनों पलट देते हैं। देखिए हमने ये तीनों को पलट दिया, अब हम थोड़ा सा रिफाइन और डाल देते हैं इस तरह ऐसे, और ये भी सिक जाएगी। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर सिकी हैं, बहुत ही बढ़िया बर्गर लगते हैं ये। कितनी बढ़िया सिके हैं ये हमारे सूजी के बर्गर, तैयार हो चुके हैं, अब हम इन्हें सर्व करने जा रहे हैं। देखिए हमारे इडली के सूजी के बर्गर कितने बढ़िया बनके तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी भी हैं और ये हेल्दी भी है, इसमें रिफाइंड भी नहीं है, मैदा भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्व किया है टमाटर की चटनी के साथ। यदि आपको हमारे ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।